यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की अहमदनगर से खबर, जहां पर मंच पर बेहोश हुए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। जी हां, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो कि मंच पर बेहोश हो गए। अहमदनगर में कृषि विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में वो बेहोश हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है, बेहोश हो गए हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी नितिन गडकरी की हालात फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं। अहमदनगर से बड़ी खबर, मंच पर बेहोश हुए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंच पर बेहोश हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप नितिन गडकरी जो कि कुर्सी पर बैठे हुए थे, उसके बाद अचानक बेहोश हो गए। चिंता का विषय है, जाहिर सी बात है, मंच पर बेहोश हो गए। उसके बाद आसपास के खड़े लोगों ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें वापस कुर्सी पर बिठाया। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है जब नितिन गडकरी की हालत अचानक अस्थिर हो गई और इसके साथ ही उन्हें चक्कर आ गया, बेहोश हो गए और कुर्सी पर बैठे थे और कुर्सी से नीचे वो गिर गए। हालांकि आसपास जो लोग बैठे थे, जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उन्हें सहायता दी और उन्हें संभाला। इसके बाद उन्हें पानी पिलाया गया, जिसके बाद उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है। तो आपको बता दें, अहमदनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अहमदनगर में कृषि विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में बेहोश हो गए। यहां पर दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे और उसी समय उनकी हालात खराब हो गई और वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, बेहोश हो गए। उन्हें चक्कर आ गया, कुर्सी से नीचे वो गिरने लगे, लेकिन आसपास के खड़े लोगों ने उन्हें संभाल लिया और इसके बाद उन्हें पानी पिलाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खबरें अभी तक तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर नितिन गडकरी एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आए थे और यहां पर उन्हें एकाएक चक्कर आ गया, इसके बाद वो बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े। हालांकि जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद वापस कुर्सी पर बिठाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री की ये तस्वीर है। हालांकि चिंता की खबर हम आपको बता रहे हैं, चिंता की खबर है नितिन गडकरी जो कि कुर्सी से नीचे गिर गए, बेहोश थे और इसके बाद उन्हें वापस कुर्सी पर बिठाया गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए नितिन गडकरी गए थे और अचानक ही मंच पर बेहोश हो गए थे केंद्रीय मंत्री। यहां तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आपको बता दें कि चिंता वाली खबर है, लेकिन एक जरूरी जानकारी आपको यह भी दे दें कि हालात अभी स्थिर बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यहां पर चक्कर आ गया था, बेहोश वो हो गए थे और इसके बाद उन्हें वापस सीट पर बिठाया गया। तो कृषि विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में बेहोश हुए हैं नितिन गडकरी, की हालत अभी फिलहाल स्थिर है। आपको बता दें कि बेहोश होने की जो वजह है वो शुगर की कमी होना बताया जा रहा है, शुगर की कमी होना बताया जा रहा है और बेहोश हो गए नितिन गडकरी शुगर की कमी के चलते, जिसके बाद उन्हें पानी पिलाया गया, वापस उनकी सीट पर बिठाया गया। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी हालात स्थिर बने हुए हैं, लेकिन ये बेहद चिंता का विषय है। शुगर की कमी के चलते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहोश हो गए थे, यहां पर वो एक दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे और इसी दौरान वो बेहोश हो गए थे। अहमदनगर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अहमदनगर में एक यूनिवर्सिटी में यहां पर शिरकत करने पहुंचे थे, यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह था और उसी दौरान नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री है वो बेहोश हो गए थे। हालांकि आपको बता दें कि शुगर की कमी होना बताया जा रहा है उनके बेहोश होने का कारण, लेकिन हालात अभी फिलहाल स्थिर है।